नमस्कारम। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हम चार चार पॉइंट देंगे दोनों में, तो ये चार मार्क्स का तैयार हो गया। ऐसे जितने मार्क्स का पूछे आपको पसंद आए जितने पॉइंट्स उतने आप एग्जाम में लिख सकते हैं, याद सभी करिएगा। आसान आसान पॉइंट्स होंगे और कोशिश करेंगे कि चारों पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करके याद करें जिससे आसानी होगी क्योंकि लिंक बन जाएगा। तो पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा वो किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है। पहला पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब भी होता है तो प्लांट्स में ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को ही रेफर किया जाए, तो ये हम लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा जब भी होगा तो दिन के समय में होगा, और यहाँ तो भोजन कभी भी बन सकता है तो ये किसी समय में हो जाए। दो पॉइंट होगा। तीसरे बात, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और क्लोरोफिल एसेंशियल है, वो लिख देंगे। सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता यहाँ चाहिए, यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए और वाटर के भी, और यहाँ पर केवल वाटर का यूज़ ही चाहिए, केवल वाटर ही एसेंशियल है। हो गया चार पॉइंट। और एक और चौथा पॉइंट हो गया, एक एग्जांपल दे देंगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सारे जीव और प्लांट्स को छोड़कर जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं फॉलो करते वो बाकी सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो चार पॉइंट्स हो गए, चारों जुड़े हुए हैं। पहला हो गया वो भोजन स्वयं पकाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो ये फोटोसिंथेसिस को रेफर कर रहा है, तो चार पॉइंट्स तीन पॉइंट उससे ही निकलेंगे। पहला, ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं तो एग्जांपल दोनों में देंगे, एक में ग्रीन प्लांट्स तो पक्का होगा, दूसरे में एनिमल्स होगा बस। तीसरा हो गया कि यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये तो हम लोग को पता है, यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए, यहाँ पर केवल वाटर चाहिए, बस बात खत्म। आसान था। अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। धन्यवाद।